उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक राजा भैया और भावनी सिंह की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। भावनी बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। बता दें कि भावनी सिंह की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में ही हुई थी। उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई बस्ती के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की। जानकारी के मुताबिक दोनों के रिश्तों के बीच पिछले कुछ वर्षों में खटास आनी शुरू हो गई थी और राजा भैया से अलग होकर भावनी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। अब हालांकि दोनों के संबंधों की कड़वाहट उस समय सार्वजनिक हो गई जब पिछले दिनों भावनी सिंह ने अपने पति राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इस विवाद में राजा भैया ने अक्षय प्रताप का खुलकर समर्थन किया था। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह को राजा भैया का राइट हैंड माना जाता है। अब भावनी ने जोरबाग थाने में दर्ज FIR के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। उस FIR में उन्होंने MLC अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जाता है कि भावनी सिंह और MLC अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ मिलकर चला रहे थे। भावनी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हड़प लिए थे, जिसमें कर्मचारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। पत्नी भावनी सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के बीच की कानूनी कलह की आंच में अब राजा भैया के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। यानी पहले विवाद भावनी सिंह और अक्षय प्रताप सिंह का था। राजा भैया ने भाई का पक्ष लिया तो क्या पत्नी इतनी नाराज हो गई कि बात अब तलाक तक पहुंच चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय डिजिटल।